सचिवालय में जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के लिए तीसरी रिव्यू बैठक हुई। इससे पहले दो बैठक शुक्रवार को हुई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के लिए ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में कामकाज का रिव्यू किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने अपने दौरे के दौरान जन घोषणा पत्र के बिंदुओं को क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से फीडबैक लिया था। माकन ने कहा था कि जन घोषणा पत्र का 60% काम पूरा हो गया है, 40% काम भी जल्द ही जमीनी धरातल पर उतर जाएगा। वहीं बीडी कल्ला ने कहा कि विभिन्न विभागों में नियमों का सरलीकरण किया जाएगा, अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त किया जाएगा, तो वहीं जन घोषणा पत्र के 510 बिंदुओं में से 85% काम प्रगति पर चल रहे हैं, शेष काम सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल में पूरे कर लिए जाएंगे। अब तक 510 बिंदुओं में से 141 टास्क पूरे कर लिए गए हैं। मंत्री ने बताया कि इनमें से 97 कार्य ऐसे हैं जो लगातार चलने वाले हैं, इसके साथ ही 197 कार्य प्रगति पर हैं। घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की तीसरी बैठक थी। इस बैठक में हम लोगों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग, जलदाय विभाग, लॉ मिनिस्ट्री और जल संसाधन मंत्रालय, इन 6 विभागों की समीक्षा की और खास तौर से जो पुराने कानून जिनका प्रचलन में कोई उपयोग नहीं है, जो उपयोग में नहीं आ रहे हैं, उनको समाप्त करना और जो कानूनों में विभिन्न प्रकार की पेचीदगियां हैं उनकी सरलीकरण करना, इनके बारे में लॉ डिपार्टमेंट से बातचीत की गई। और चुनाव घोषणा पत्र में जो जो बिंदु लॉ डिपार्टमेंट से संबंधित थे उनके बारे में उनको दिशा निर्देश दिए गए। आज जिन डिपार्टमेंटों की समीक्षा की गई उनमें खास तौर से जैसे पीडब्ल्यूडी में टोटल 8 बिंदु थे, उनमें से 6 में टास्क इन प्रोग्रेस है, 2 में टास्क इनिशिएटेड कर दी गई है। ट्रांसपोर्ट विभाग के 10 मामले थे, उनमें 1 में तो टास्क कंप्लीट हो गई है, चुनाव घोषणा पत्र इंप्लीमेंट पूरा का पूरा हो गया है और 7 में प्रगतिरत हैं और 2 टास्क इनिशिएट करनी की जानी है। आप जानते हैं कि चुनाव घोषणा पत्र जो है पूरे 5 साल का है, लेकिन काफी अच्छी प्रगति हुई है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास 6 बिंदु थे, उसमें 2 टास्क कंप्लीट कर ली गई है, 2 कंटिन्यूअस नेचर की है और 1 में टास्क का इनिशिएशन करना है। पीएचईडी में 8 बिंदु हैं, उसके अंतर्गत 1 कंटिन्यूअस नेचर की है, 5 में प्रगतिरत है और 2 में टास्क इनिशिएट करनी है। लॉ डिपार्टमेंट के 8 बिंदु थे, उसमें 2 में टास्क इन प्रोग्रेस है, 4 टास्क इनिशिएटेड होनी है और 2 बिंदु ऐसे थे जिनमें एक्शन शुरू होना बाकी है। वाटर रिसोर्सेज में 12 बिंदु थे, इसमें से 9 की प्रगति जो है अच्छी है और 1 कार्य जो है उसको सैंक्शन तो इश्यू हो गई है लेकिन टास्क को अभी स्टार्ट किया जाना बाकी है और 2 टास्क जो है वो इनिशिएट कर दी गई है। इस प्रकार कुल मिलाकर के जैसा मैंने कल आपको बताया था 27% पूरा का पूरा चुनाव घोषणा पत्र लागू हो चुका है। 19% जो है वो कंटिन्यू नेचर के कार्यक्रम है, 38.6% टास्क